मोटरसाइकिल आफ्टर ऑलमोस्ट 25 डेज। अहो आई होप स्टार्ट हो जानी चाहिए। हो गई। BMW है, हार्ली नहीं है। सॉरी हार्ली गाइस, हार्ली में थोड़ी प्रॉब्लम रहती है कि उसको स्टार्ट करते रहना पड़ता है 5-6 दिन के अंदर, नहीं तो वो डेड हो जाती है बैटरी। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। दिस इज अरुण सीकरी एंड यू आर वाचिंग अरुण सीकरी मोटो व्लॉग्स। गाइस आई हैव रीच हियर। ये जसप्रीत है मेरा दोस्त, आपने मेरे पिछले वीडियोस में देखा होगा। जो बात मैं अभी घर पे कर रहा था कि इतने टाइम तक बाइक स्टार्ट ना करो तो प्रॉब्लम आ जाती है, जसप्रीत की बाइक में आ गई। इसने 1 महीने से चलाई नहीं है तो मुझे इसको धक्का से स्टार्ट करना पड़ रहा है। आई विश हो जानी चाहिए। सेकंड गियर में खींचो भाई, छोड़ दे, खींच दे, होगी स्टार्ट। चलिए टायर पवान, चल चलिए। सो गाइस वी हैव स्टार्टेड। जसप्रीत की बाइक स्टार्ट हो गई है धक्के से ही। तो ये प्रॉब्लम ना एक्चुअली सुपर बाइक्स में आ जाती है क्योंकि इंजन बड़े होते हैं। आप मान के चलो मोस्ट प्रोबली, मतलब मोस्टली कार के साइज़ का इंजन हो जाता है, 1000 cc या 1200 या उससे कुछ भी ऊपर होगा। तो फिर इतने बड़े इंजन को पावर चाहिए होती है घुमाने के लिए सेल्फ में, तो वो अगर बैटरी हल्की सी भी वीक हो तो नहीं घुमा पाता। हाँ, कार बाइक जो नॉर्मल आती है, स्कूटर बाइक वगैरह, उसका तो सिंगल पिस्टन होता है, उसको फिर भी घुमाया जा सकता है। इनमें प्रॉब्लम हो जाती है तो इसलिए इनको स्टार्ट करता रहना चाहिए। बाकी BMW में मुझे ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आया आज तक, चाहे मैंने 1 महीने बाद भी स्टार्ट करी है, कोई इशू नहीं आया कभी भी। मैं लास्ट 3 साल से तो BMW ही चला रहा हूँ। हाँ, मॉडल्स ज़रूर बदले हैं मगर इशू किसी में मुझे आज तक नहीं आया। अब हम जा रहे हैं जसप्रीत की बाइक के टायर चेंज करवाने। अब टायर चेंज कराना आज की डेट में काफ़ी बड़ा टास्क हुआ हुआ है हमारे इंडिया में, बिकॉज गवर्नमेंट ने बैन लगा दिया था टायर्स के इम्पोर्ट पर, जिस वजह से हमें सुपर बाइक के टायर प्रोवाइड नहीं हो पा रहे थे और कोई भी इंडियन ब्रांड बनाता नहीं था। अभी हम जा रहे हैं तो हम आ गए हैं रोड पे। मैं बात कर रहा था टायर डलवाने की। टायर्स का काफ़ी इशू हुआ हुआ है पिछले 1 साल से, जब से इंडियन गवर्नमेंट ने बैन लगाया कि टायर्स के इम्पोर्ट पर। हमारी बाइक के टायर तो देखो इंडिया में कोई मैन्युफैक्चरर बनाता नहीं है, तो सब टायर्स बाहर से आते हैं और इम्पोर्ट पर कर दिए टायर्स के बैन, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रखी है। और प्राइसेस इतने बढ़ गए हैं सुपर बाइक्स के टायर के कि इतने का एक स्कूटर आ जाता है यूज़ अच्छी कंडीशन का, जितने के टायर चल रहे हैं आजकल। यू वोंट बिलीव, जो निंजा 1000 इसकी जा रही है, 1 साल पहले तक इसके टायर का सेट 20 से 22 हज़ार 24 हज़ार तक में आ जाता था। पिरेली का या मेटजलर का कोई भी 20 से 25 के बीच में आता था, कभी 23 का, कभी 24 का, 1000 2000 ऊपर नीचे होता रहता था रेट। आज वही सेट बहुत रेयरली अवेलेबल है और जिसके पास है वो 46,000 48,000 50,000 तक रेट दे रहे हैं कि भाई इतने का टायर डलेगा। आप 50,000 का टायर डलवाना तो एक पेन है, तो आप समझिए कि सुपर बाइक का टायर वैसे ही हार्डली 10,000 किलोमीटर चलता है। इसकी बाइक की अभी सिर्फ 10,000 ही चली है और टायर्स चेंज मांग रहे हैं, बिकॉज वो एक्चुअली क्या हाई स्पीड इंजन होता है, टायर घूमता तो घिसता भी जल्दी है और टायर्स के अंदर अच्छी क्वालिटी का रबड़ वगैरह सब कुछ चाहिए होता है, कुछ फटने का डर होगा अगर हल्का होगा तो बहुत महंगा हिसाब किताब हो गया आज की डेट में सुपर बाइक को रखने का। तो फिर अभी अपोलो ने अपनी, जो कि अपनी इंडियन कंपनी है, उसने कोई जर्मनी का एक ब्रांड टेक ओवर करा है जो कि सारे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के टायर बनाते हैं। अभी उसको जाके देखेंगे। वो टायर्स हमने लिए हैं इसके लिए, जो कि ब्रांड वही आएगा बट टेक ओवर बाय अपोलो है, लाइक रेंज रोवर टेक ओवर बाय टाटा है, तो पेरेंट कंपनी तो टाटा है बट रेंज रोवर अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से चलती है, तो सेम गोज़ विद अपोलो। वो टायर थोड़ा रीजनेबल रेट पर मिल रहा है बिकॉज वो अपोलो इज़ अ इंडियन मैन्युफैक्चरर, तो वो टायर अपने को तकरीबन 28,000 का पेयर कॉस्ट करेगा। और जब 10,000 किलोमीटर टोटल चलना हो तो कॉस्ट भी देखनी पड़ती है और वो टायर के स्टैंडर्ड भी इंटरनेशनल फॉलो कर रहे हैं, तो आज वही टायर डलवाएंगे। हम यहीं जा रहे हैं करमपुरा में डायरेक इम्पैक्स, यश भैया की शॉप है। यश भैया से अपना बहुत प्यार था बट पीछे एक ट्रेजिडी हो गई थी, उनका एक रोड एक्सीडेंट में डेथ हो गई। बहुत प्यार था यश भैया से, बहुत मिस करते हैं हम उनको, बट चलिए आई डोंट वॉन्ट टू डिस्कस दिस। सो गाइस फाइनली वी हैव रीच डायरेक इम्पैक्स। अब यहीं पर टायर चेंज होने हैं मोटरसाइकिल के, बस अभी यहीं आए हैं, यहीं चेंज होगी। हाँ जी जसप्रीत सिंह जी, ये टायर आपके आ गए हैं। बिल्कुल जी आ गए हैं। ये कितने के पड़ा? ये सेट ना है अपना अपोलो, मेड बाय अपोलो है और ये ब्रांड जर्मन ब्रांड है, इसको टेक ओवर किया है ब्रांड नीदरलैंड का है, जर्मनी का नीदरलैंड का ब्रांड है, इसको टेक ओवर किया अपोलो ने, जो कि एक अच्छी बात है। और ये नाम लिख के आया जसप्रीत सिंह, जसप्रीत सिंह का नाम भी लिखा हुआ है। अब ये इंडियन है फिलहाल, टेक ओवर किया इसको अपोलो ने,
भाई क्या रेट हो गया टायरों का आज के डेट में? ये रेट वैसे तो इसका MRP अगर जाएंगे तो दोनों साइड कुल मिला के पड़ रहे 34,000, हमें पड़े हैं 28,000 के आस पास। ये टायर तो इतने महंगे हुए हुए हैं, आगे आगे मोटरसाइकिल चलानी आसान है मुश्किल है? बहुत मुश्किल है। मेरी बाइक के खत्म हुए तो मेरे से तो 30-40,000 मांगेंगे ये। बिल्कुल, BMW नाम देख के 50,000 ही मांग लेंगे। प्रेली के कितने के बताए थे तेरे को? 45,000 से ऊपर है। हाँ, तो प्रेली का टायर का 45, 48, 46 डिपेंडिंग ऑन साइज जो क्या था मैम ऊपर नीचे होता है, और आप समझो कि इतने में तो एक अच्छा खासा स्कूटर मिल जाएगा जो बंदा चला सकता है। तो टायर्स की तो एंड ही कर दी है, और जो मेरे टायर अगर डलेंगे, मेरे तो अगला 19 इंच का होता है, पिछला 17, तो कम से कम ऑलमोस्ट 50,000 रुपये मांग खड़े होंगे। तो बाइक चलाना कोई सस्ता नहीं रह गया है। अपोलो जैसे टायर कुछ आए तो कुछ सस्ता काम हो सकता है, एल्स टायर्स तो बहुत महंगे हो गए। ये जसप्रीत की मोटरसाइकिल का काम स्टार्ट हो गया है, यही भाई हमारी बाइक के टायर चेंज करता। क्या नाम है भाई तुम्हारा यार वैसे? धर्मेंद्र। इसी ने मेरी यामा VMAX के टायर चेंज किए थे, बूसा के भी इसी ने किए थे, इवन इस मोटरसाइकिल के टायर मैंने चेंज कराए थे। वैसे जो कंपनी से आए थे वो रोड बेस्ड थे, तो मैंने इसमें 70-30 ऑफ रोड प्लस रोड लगाए हैं, मैंने नए टायर ही चेंज करा दिए थे। ये टायर अब ये भी बहुत महंगा हो चुका है इस टाइम, तो टायर्स में मतलब प्राइसेस में आग लगी पड़ी है। अब बहुत ही महंगा टायर अब ये चेंज हो रहा है। ये भाई KTM के टायर डलवाने आए, ये कह रहे KTM का टायर का 19,000 रुपये का। तो अब बताओ कहाँ पहुँच रहे हैं रेट प्राइसेस इनके। ये टायर आ गया है, इसकी फिट एंड फिनिश तो काफ़ी अच्छी है, रबर क्वालिटी देखने में बहुत अच्छी लग रही है। ये ब्रांड है, इसके अंदर बेसिकली ना टायर की रेटिंग होती है, इसमें Z रेटिंग, S रेटिंग सब में अपनी होती है। इसमें दिखा होता है कि भाई कितनी स्पीड तक अलाउड है, और इसकी रेटिंग काफ़ी अच्छी है। एक सेकंड भाई, आप जरा ना यहाँ बताओ क्या रेटिंग है, किस स्पीड तक अलाउड है ये? इस टायर की रेटिंग है आपकी Z रेटिंग है, और ये आपका 270-300 के करीब की स्पीड चला सकते हैं। बेसिकली यही होता है, जो रेटिंग कम होती है ना उसके अंदर यही होता है कि स्पीड ज़्यादा नहीं होती, और इन सुपर बाइक्स में फिर ये होता है कि हाई स्पीड वाले टायर ज़्यादा लेते हैं। जो हमारे जैसे एडवेंचर बाइक वाले होते हैं टायर वाले, वो 200 तक की स्पीड लेते हैं, क्योंकि एडवेंचर में ज़्यादा स्पीड खींचनी नहीं होती। 100, 120, 130 लास्ट 150 तक टूरिंग होती है थोड़ी बहुत, वो भी थोड़े टाइम के लिए। और ये जो है इनलाइन 4, इनके अंदर थोड़ा ज़्यादा रहता है कि भाई इनलाइन 4 है, एकदम पावर अच्छी बंदा खींच देता है, तो फिर टायर थोड़ा सा सेफर साइड पे अच्छा होना चाहिए। हाँ, अपोलो ने रेटिंग वगैरह अच्छी रखी है, तो आई होप अच्छा ही होगा टायर। और कुछ लोगों ने लगाया तो अच्छा ही रिव्यू दे रहे हैं, किसी ने गलत रिव्यू नहीं दिया। लुक्स भी ठीक है, रबर क्वालिटी ठीक लग रही है, बाकी अब चलेगा तो पता लगेगा। चलिए बने रहें आप लोग। चलो ओके भाई जसप्रीत, मैं निकलता, तू पवा ली पिछला टायर, तो तेरा पै गया, हूँ अगला पवा के तू आ जी, ठीक है? ओके, मिलते हैं फिर राइड दे। ओके तो भाई मेरे को थोड़ा सा काम था, घर से कॉल आ गई, घर पास में ही है, मैं जरा घर जा रहा हूँ, इसका टायर का काम हो गया। एक्चुअली ये भूपिंदर भैया को मैं ही जानता था, ये डायरेक्ट इम्पैक्स पे थोड़ा मेरा अच्छा इनसे रिलेशन है, तो ये मेरा भाई कहता कि टायर्स की बात करा दे, तो इसका वो करा दिया। अब वो रेट वेट सब फाइनल हो गया, सब कुछ हो गया, फिट हो रहा है, पिछला टायर लग गया, अब मैं निकलता हूँ। बाकी टायर लगवाने तो आज की डेट में यार सीरियसली डर लगता है कि 50,000 रुपये, इट्स अ बिग अमाउंट यार, सीरियसली। पहुँच रहा हूँ अपने घर, ये बस टायर के ऊपर ही था कि आज एक बस वैसे एक छोटी सी राइड होगी, घर से हार्डली 4-5 किलोमीटर पर यही डायरेक्ट इम्पैक्ट जहाँ मैं गया था, छोटी सी राइड होगी, या बहुत टाइम बाद बाइक स्टार्ट कर ली और एक उसके टायर डलवा लिए। और टायर्स के रेट आपको बताना चाहता था कि सुपर बाइक चलाना इतना आसान नहीं रह गया आज की रेट में। सुपर बाइक के टायर्स के प्राइसेस देखिए कहाँ ही जा रहे हैं, मतलब 50,000, 45,000, 48,000 बहुत ज़्यादा अमाउंट हो गया है। ये तो चलो अच्छा है अपोलो आया है, उसने कुछ पैसे बचवाए हैं लोगों के, रेटिंग भी अच्छी दे रहा है, और कुछ पैसे भी कम में काम हो रहा है। 28,000 में ये पेयर मिल गया था जैसे निंजा 1000 का। आई होप इंडियन कंपनीज़ में या तो ये टायर्स आए, नहीं तो गवर्नमेंट को कुछ इंपोर्ट के बारे में सोचना चाहिए। अब ये बाइक्स लीगली बिक रही हैं इंडिया में, शोरूम है, बट इसका सामान भी तो प्रोवाइड करना पड़ेगा, ये तो नहीं कि कुछ भी रेट पे बिकेगा कोई भी चीज़। तो गवर्नमेंट को कुछ तो देखना चाहिए ना कि वैसे शोरूम को परमिशंस दे रही है, अपने टैक्सेस ले रही है गवर्नमेंट, सब कुछ कर रही है, तो फिर कुछ उसके बारे में आफ्टर सेल्स के बारे में तो देखना चाहिए ना कि टायर्स पे बैन आपने लगा दिया पर इसके टायर अवेलेबल हैं, कौन बना रहा है इंडिया में? कोई भी नहीं। इसके लिए आंसरेबल कौन है? कोई भी नहीं। ये बहुत चक्कर है, तो ये चीज़ें भी देखनी चाहिए गवर्नमेंट को कि भाई इसके बाद जो जिसने ली है इतनी महंगी मोटरसाइकिल वो क्या करेगा, कहाँ से टायर डलवाएगा, या ब्लैक मार्केट से डलवाएगा जी 20,000 का माल 50,000 रुपये में?
अब देखो ऐसा नहीं है, कई लोग बोल देते हैं कि यार आप इतनी महंगी बाइक चला रहे हो आपको क्या फ़र्क पड़ता है, ऐसा नहीं है बॉस, फ़र्क पड़ता है। बिकॉज 50,000 रुपये का अमाउंट होता है और बाइक चला रहे हो तो एक शौक़ है, तो बंदा कहता है कि चलो ठीक है जो रीज़नेबल काम हो सकता है उसके रीज़नेबली पैसे दिए जाएँ। 24-25 हज़ार भी कम नहीं होता, बट आज की डेट में तो 50,000 रुपये देने पड़ रहे हैं एक पेयर के और 10,000 किलोमीटर है चलता नहीं टायर। इसे कुछ ना कुछ हल करना चाहिए भाई, ये एक लिमिट होनी चाहिए किसी भी चीज़ की। चलिए बस आज के वीडियो में इतना ही, अब बस मैं घर जा रहा हूँ, मुझे कुछ काम जाना है। हाँ, मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। और हाँ, ये मैंने नए लगाए हैं बॉक्सर सेट्स, मतलब मीटर के ऊपर, सिर्फ एक काइंड ऑफ शो के लिए है। आप ज़रूर बताइएगा कैसे लग रहे हैं, मुझे काफ़ी अच्छे लगे हैं ये। और आगे मैंने हेडलाइट पे ग्रिल भी लगाई है, तो इसका मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। बाइक की एक्सेसरीज का तो ऑलमोस्ट पूरी हो ही गई एक्सेसरीज जो जो मैं लगाना चाहता था। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। प्लीज़ आपसे यही रिक्वेस्ट है, अगर कुछ आपको मेरा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा या अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ अगर आपको अच्छा लगता है तो। और मेरा एक इंस्टाग्राम पे आईडी है arun_sikri arun_sikri, ये कहीं साइड में आ रहा होगा, इसको आप प्लीज़ फॉलो कर लीजिए, आपको वहाँ पे अपडेट्स मिलते रहेंगे कुछ नए वीडियो के बारे में। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें, लव यू गाइज, बाय बाय।